हेलो नमस्कार, मेरा नाम रविंदर डोगरा है। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्या डिग्री कॉलेज नूरपुर में, इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज अभी कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी हैं और सेकंड ईयर वाले बच्चे भी हैं, उनके टाइम टेबल के बारे में कुछ क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि टाइम टेबल में सर क्लासेस किस तरह से हैं, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो टाइम टेबल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है, इसमें आपके सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शन ए में आपका जो है, सेक्शन ए में आपका है मैथ एंड फिजिक्स, सेक्शन बी में है कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री, और सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन सी में है आपका बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, अब ये जो टाइम टेबल दिया है, इसमें जो आपकी क्लासेस हैं, जैसे बॉटनी की क्लास है, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखा हुआ है। 1 का मतलब मंडे है, 2 का मतलब ट्यूसडे है, ठीक है, 3 का मतलब वेडनेसडे है, 4 का मतलब आपका थर्सडे है, 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे है। तो इसका मतलब आपका क्या है कि बॉटनी की जो आपकी क्लास है, ठीक है, ऊपर वैसे टाइम दिया है, ठीक है, अभी ऊपर टाइम दिया हुआ है आपका, तो प्रैक्टिकल आपके लगेंगे 10 बजे से 11:40 के बीच में, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिकल होंगे। ये होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के, है ना। नीचे मेडिकल वालों के प्रैक्टिकल का टाइमिंग इन्होंने दिया हुआ है 10 से 10:50, ठीक है, और उसके बाद आप में जो मेडिकल वाले हैं और कंप्यूटर वाले जो हैं, उनकी यहाँ पे क्लास जो लगेगी वो आपकी लगेगी बिटवीन 10:50 से लेके 11:40 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटनी वाले जो हैं मेडिकल के केस में, ए सेक्शन सी में है, लेकिन बॉटनी के केस में कोई सेक्शन नहीं होगा, तो इनकी क्लास लगेगी फर्स्ट 4 डेज़, 1, 2, 3, 4, सोम मंगल बुध वीर शुक्र, है ना, शुक्र शनिवार को इनकी बॉटनी की क्लास नहीं होगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात आती है, जिनका कंप्यूटर है, ठीक है, उनकी क्लास लगेगी 3, 4। अब यहाँ पे बॉटनी के केस में यहाँ पे रूम नंबर भी मेंशन किया हुआ है, रूम नंबर 101 एंड 102। कंप्यूटर की क्लास जो है वो लगेगी आपकी कंप्यूटर लैब में, और इसके लिए डेज मेंशन है 3, 4, 5, 6, बुध वीर शुक्र शनिवार। यहाँ पे मैं आपकी बात करूँगा केमिस्ट्री की, है ना, ठीक है। तो केमिस्ट्री के केस में क्या होगा, अब क्योंकि कंप्यूटर में भी कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है, सेक्शन बनाए गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए। अब फिजिक्स के केस में जो आपकी क्लास लगनी है बच्चा, वो लगनी है आपकी कब, ये आपकी जो क्लास लगनी है, ये आपकी क्लास लगेगी 11:40 से 12:30, और केमिस्ट्री की भी 11:40 से 12:30। अब यहाँ पे सेक्शंस हैं, जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेक्शन ए की फिजिक्स की क्लास लगेगी रूम नंबर 104 में पहले 2 दिन, सोमवार और मंगलवार। सेक्शन ए में आएंगे आपके मेजर मैथ और मेजर केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चे। सेक्शन बी में आएंगे आपके केमिस्ट्री और कंप्यूटर वाले बच्चे जो आएंगे, उनकी क्लास लगनी है बुध और वीरवार को 3 और 4। उसी तरह सेक्शन बी की दूसरी क्लास जो है वो 5 और 6, यानी कि सेक्शन बी की क्लास लगेगी 3 आपका बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, फिजिक्स की क्लास, ठीक है। अब सेक्शन जो आपका बी एंड सी है, केमिस्ट्री की जो क्लास है, जिसमें आपकी जो केमिस्ट्री पढ़ेगा वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, जो कंप्यूटर पढ़ेगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, ये फैसिलिटी सिर्फ नॉन मेडिकल में ही है। मेडिकल वाले सभी क्या पढ़ेंगे, जो तीसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे दैट विल बी केमिस्ट्री। तो उनकी मेडिकल वालों की जो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वाले जो हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो आते हैं, इनकी क्लास लगेगी मंडे ट्यूसडे रूम नंबर 102 में 11:40 पे। और इसके बाद जो सेक्शन ए है फिजिक्स एंड मैथ, इनकी क्लास लगेगी बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार रूम नंबर 102 में, ठीक है, 11:40 पे। इसी तरह बच्चे आपकी इंग्लिश की क्लास यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे सेक्शन जरूर देख लेना है। सेक्शन ए की इंग्लिश की क्लास जो है वो है आपकी
रूम नंबर 102 में ये है आपकी बुधवार और वीरवार 12:30 से 1:20। उसी तरह केमिस्ट्री की क्लास जो है सेक्शन बी एंड सी की, वो मंडे और ट्यूसडे को एक और क्लास लगेगी उनकी 12:30 से 1:20, तो वो लगेगी रूम नंबर 102 में, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ क्लासें लगेंगी। इसी तरह आपकी फिजिक्स की क्लास दी होगी, इंग्लिश की क्लास दी होगी सेक्शन के हिसाब से। तो आपने देखना है कि आपका सेक्शन कौन सा है और आपकी कौन सी क्लास वहाँ पे है। कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कंसर्न्ड टीचर से जाके वहाँ पे पूछिए, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश के अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश वाले टीचर से बात कर लीजिए, अगर फिजिक्स वाले प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे बात कर लीजिए। लेकिन टाइम टेबल जो है इंग्लिश के केस में या ईवीएस के केस में, केमिस्ट्री के केस में, फिजिक्स के केस में, आपने सेक्शन के हिसाब से वहाँ पे देखना है। बॉटनी, जूलॉजी और कंप्यूटर के केस में आपका एक ही सेक्शन वहाँ पे रहने वाला है, तो वहाँ पे सेक्शन नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। सेक्शन किस केस में लिखेंगे? फिजिक्स में, मैथ में और आपका इंग्लिश में और ईवीएस में। यहाँ पे मैथ की क्लास की लगेगी आपकी एक 12:30 से 1:20, लेकिन यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से है, सेक्शन एक ही लगेगी सोम मंगल बुध रूम नंबर 101 में, और सेक्शन बी की लगेगी बुध वीर शुक्र रूम नंबर 101 में। नीचे आपके जो कंसर्न टीचर हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है। दूसरी मैथ की क्लास आपकी 1:20 से 2:10 लगेगी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा जो सेक्शन ए की क्लास ये वाली जो लगेगी वो 4:00 to 6:00, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं बुध वीर शुक्र को रूम नंबर 101 में। तो बड़े बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि हमें क्लासेस का पता नहीं लग रहा है, तो इस तरह से आपकी क्लासेस वहाँ पे लगनी है। किसी को कुछ और क्वेरी हो तो वो मेरे को कॉल कर सकता है विद इन ऑफिस टाइम, है ना। तो दैट इज़ ऑल। ओके, थैंक यू।